हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 20 और 21 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे दो क्वेश्चंस पे पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया गोविंदा राजुलु चिंटला को। यह है गोविंदा राजुलु चिंटला, और वर्तमान में ये नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक हैं। वर्तमान में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक हैं, तो इनको नाबार्ड का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। हर्ष कुमार भनवाला का स्थान लेंगे, हर्ष कुमार भनवाला का ये स्थान लेंगे। बात करें नाबार्ड की, तो नाबार्ड नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना होती 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो इसके नए अध्यक्ष बनेंगे गोविंदा राजुलु चिंटला। अगला प्रश्न, नाबार्ड ने सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए कितने रुपए जारी किए हैं? तो इसके आंसर ऑप्शन सी 20,500 करोड़ रुपए। तो नाबार्ड ने सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी कि कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स के लिए 20,500 करोड़ रुपए जारी किए हैं। अगला प्रश्न, किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थबेन ने इस्तीफा दे दिया है? तो थॉमस थबेन ये लेसोथो के प्रधानमंत्री हैं, तो हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। बात करें लेसोथो की, तो इसकी राजधानी है मासेरू। मासेरू इसकी राजधानी है, और यहाँ की करेंसी है लोटी। लोटी यहाँ की करेंसी है। तो लेसोथो के प्रधानमंत्री थे थॉमस थबेन, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो लेसोथो का अब अंतरिम प्रधानमंत्री बना दिया गया है यहाँ के वित्त मंत्री मोइकेत्सी माजोरो को। लेसोथो के वित्त मंत्री हैं मोइकेत्सी माजोरो, तो इनको अंतरिम प्रधानमंत्री बना दिया गया है। यानी कि जब तक कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता तब तक ये प्रधानमंत्री के रूप में काम करेंगे मोइकेत्सी माजोरो। अगला प्रश्न, 2019 के अलेक्जेंडर डेल रिम्पर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन डी विनय वधवार को। तो विनय वधवार को 2019 के अलेक्जेंडर डेल रिम्पर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विनय वधवार ये भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण के मुख्य जल सर्वेक्षक हैं, और इन्हें यह पुरस्कार भारतीय जल सर्वेक्षण और विशाल हिंद महासागर क्षेत्र में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। यूनाइटेड किंगडम के रक्षा मंत्रालय द्वारा इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो 2019 के अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से विनय बदवार को सम्मानित किया गया है। लक्ष्य, विश्व माप विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व माप विज्ञान दिवस यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे ये हर साल 20 मई को मनाते हैं। हर साल 20 मई को विश्व माप विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाते हैं। अगला प्रश्न, विश्व मधुमक्खी दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मधुमक्खी दिवस ये भी हर साल 20 मई को मनाते हैं। हर साल 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाते हैं। मधुमक्खियों के महत्व, उनके योगदान और संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसे 20 मई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन आधुनिक मधुमक्खी पालन की टेक्निक का जनक कहे जाने वाले एंटोन जानसा का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? स्लोवेनिया में हुआ था 1734 में। तो इसीलिए 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न, बैक टू स्कूल अभियान किसने लॉन्च किया है? तो बैक टू स्कूल अभियान इसको लॉन्च किया है एसर इंडिया ने। एसर इंडिया ने बैक टू स्कूल अभियान लॉन्च किया है। इस अभियान के तहत छात्रों और उनके माता पिता को आसानी से एक नया एसर लैपटॉप खरीदने में मदद की जाएगी ताकि छात्रों की पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। तो बैक टू स्कूल अभियान इसको एसर इंडिया ने लॉन्च किया है।
और एसर ये ताइवान की कंपनी है, ताइवान की कंपनी है एसर। अगला प्रश्न है, भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी के लिए 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है। और संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी, इसका मुख्यालय है जॉर्डन के अम्मान में। जॉर्डन के अम्मान में संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, चीन WHO को कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद करेगा? तो इसका आंसर ऑप्शन सी 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो चीन WHO को कोरोना वायरस से लड़ने में मदद करने के लिए 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करेगा। बात करें WHO की, तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को इसीलिए मनाते हैं। और WHO का मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। WHO के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एडहानोम। टेड्रोस एडहानोम। बात करें चीन की, तो चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की करेंसी है रेनमिनबी। और चीन के राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग। अगला प्रश्न है, होप ऑन एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। यह है रस्किन बॉन्ड। तो इनकी यह बुक है होप ऑन एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स। बचपन में इन्होंने जो बोट्स यानी कि नाव, रेलगाड़ी और प्लेन्स में जो इन्होंने यात्रा की थी, उन्हीं यात्राओं का इन्होंने वर्णन इस पुस्तक में किया है। और अपने 86वें जन्मदिन के अवसर पर इन्होंने इस पुस्तक को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों पर कौन सा चक्रवात आया? तो इस तूफान का नाम है अम्फान। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों पर अम्फान नाम का तूफान आया, और इस तूफान को अम्फान नाम दिया है थाईलैंड ने। थाईलैंड ने इस तूफान को अम्फान नाम दिया है। अध्यक्ष ने नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने किसे महानिदेशक नियुक्त किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन है राजेश गोयल को। तो नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने राजेश गोयल को अपना महानिदेशक नियुक्त किया है। अध्यक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी कि वर्ल्ड म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 मई को। हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है। और इस पर इसकी थीम है म्यूजियम्स फॉर इक्वालिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। म्यूजियम्स फॉर इक्वालिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इस पर इसकी थीम है। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस ये हर साल 18 मई को मनाते हैं। दोस्तों आज आपके लिए पहला प्रश्न है, विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है, कौन सा राज्य राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ करेगा? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।